वो सभी आरोप हमारे ख्याल से सभी झूठे हैं, क्योंकि उनमें कोई सच्चाई नहीं है। टाइम लग सकता है लेकिन सब सामने आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको मिलवा रहे हैं लगातार जनता के साथ, सीधी बातचीत करवा रहे हैं। जानते हैं इनकी आज कितनी आस्था, कितना विश्वास है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के साथ। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? गुरप्रीत कौर जिंसा। गुरप्रीत कौर जी, डेरा सच्चा सौदा संस्था को, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा को आप कितने समय से जानते हैं? 13-14 साल हो गए। आज 2017 के बाद कितनी आपको आस्था है उनके साथ, कितना विश्वास? पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पर। वो डोल है, सारा परिवार यहीं पे आ रहा है, बेटा भी मेरा यहीं पे बड़ स्टडी कर रहा है। हमारा पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पर कि वो सच्चे हैं, सच्चे थे और सच्चे ही रहेंगे। मैम, जो आरोप लगाए गए उनके ऊपर, उसके बारे में क्या? वो सभी आरोप हमारे ख्याल से सभी झूठे हैं, क्योंकि उनमें कोई सच्चाई नहीं है। टाइम लग सकता है लेकिन सब सामने आ जाएगा। झूठे आरोप संत के ऊपर क्यों लगाएगी? देखो, ये तो समय समय की बात है कि सभी संत महात्मा के ऊपर कुछ टाइम के लिए झूठे आरोप लगते ही आए हैं। पहले भी सिख गुरुओं के ऊपर भी ऐसा हुआ है, लेकिन जो समय की सरकारें होती है वो कुछ ना कुछ तो करती है। संत जी के, मतलब संत जी को ही क्यों टारगेट किया गया? संत जी ने ऐसा क्या किया है जो लोग उनके साथ रहते हैं और कुछ कुछ इस तरीके से लोग झूठे इल्जाम, जिस तरीके से आप कह रहे हो, लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर? देखो, संतों ने तो कुछ नहीं किया, गुरुजी ने तो, वो तो मानता भलाई के ही काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं अभी तक की। लेकिन ऐसा हो जाता है कि जब संतों का प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ने लगता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ऐसा होने लग जाता है कि अगर इनका प्रभाव ऐसे चला गया, जो बुराई छुड़ा रहे हैं, जैसे नशा छुड़वा रहे हैं, तो हमारा जो नशा वाले लोग होते हैं, नशा करवाने वाले, उनको ये हो जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं गुरुजी सारी दुनिया में नशा खत्म ही ना कर दे, तो उनको ये हो जाता है कि हम क्यों ना इनको टारगेट बनाया जाए। मैम, किस तरीके के कार्य किए हैं संत जी ने समाज के लिए? बहुत सारे अच्छे मानता भलाई के कार्य किए हैं, जैसे उन्होंने बुराइयां छुड़ाई है, सभी में परिवारों में प्रेम करने को कहा है, बड़ों का सत्कार करने को कहा है, और जैसे वैश्वप्रति है उनको भी अपनी बेटियां माना है गुरुजी ने, और उनकी शादी करवा रहे हैं। जैसे किसी की अकेली बेटी है उनकी भी कह रहे हैं कि शादी करवाओ, उनके साथ भी जुड़ रहे हैं। और बहुत सारे मानता भलाई के कार्य अभी 132-133 हो गए हैं, वो सभी चल रहे हैं। 4-4.5 सालों से ज़्यादा समय हो गया मैम, संत जी उस तरीके से समाज में नहीं है, आपको क्या लगता है उनके ना रहने से क्या प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, हमें तो कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारे गुरुजी हमारे बीच नहीं है, हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि गुरुजी हमारे बीच है, हमारे साथ ही रह रहे हैं। लेकिन हाँ जी, ज़रूरत है उनकी, क्योंकि समाज को आगे तक लेके जाना है। जो जनरेशन है कि जो पंजाब का माहौल है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, जहाँ हरियाणा का भी, उसके लगता है कि अगर गुरुजी जहाँ पे रहेंगे और गुरुजी हमारे बीच होंगे तो लगता है कि बहुत अच्छा और भी माहौल हो सकता है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? हम तो सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि आप देखो कि संत हैं, जो गुरुजी हैं, वो क्या मानता भलाई के कार्य कर रहे हैं। अभी तक भी जहाँ भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ी है वहाँ पर हमारे सेवादार पहुँचे हैं। कि हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि देखो, जो सभी जो आरोप हैं वो झूठे हैं, हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द रिहा करके हमारे बीच भेजना चाहिए। संत जी समाज में आ जाएंगे तो माहौल कैसा होगा? मैम, कुछ लोग काफ़ी अलग तरीके से बातें उठाते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, हमें नहीं लगता कि अगर आएंगे गुरुजी तो कोई और माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो नॉन प्रेमी है या कोई भी है, वो भी गुरुजी से एक बार तो मिलने आएंगे कि ये सच हो गया है कि इनके गुरुजी जहाँ पे वापस आ गए हैं, ऐसा माहौल हो सकता है। लेकिन जिन्होंने बातें करनी है वो तो अब भी कर रहे हैं, बाद में भी कर रहे हैं, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की लगातार अपील है, मांग है कि संत जी की हमारे समाज को सख्त जरूरत है। इनका मानने जो भी आरोप लगाए गए हैं तमाम झूठे हैं, ये आज भी संत जी के साथ हैं। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़, अफेक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।